न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये खबर आपसे जुड़ी हुई है, हर किसी से जुड़ी हुई है। जो लोग सड़कों पर चलते हैं, कार में सफर करते हैं, उनकी जिंदगी और उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई ये खबर है, एक्सक्लूसिव खबर। और सबसे पहले यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कि दिल्ली की सड़कों पर अब लोगों का चालान किया जा रहा है, वो लोग जो कार में बैठते हैं लेकिन पिछली सीट पर सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक तरह से कह सकते हैं कि एक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, क्योंकि लोगों को इस बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है। नियम पहले से ही है लेकिन लोग इस्तेमाल सीट बेल्ट का नहीं करते हैं, पिछली सीट पर बैठते हैं, सीट बेल्ट तो होती है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, नहीं पहनते हैं। और दूसरी तरफ की भी तस्वीरें यहां पर दिखाना चाहेंगे न्यूज 18 इंडिया पर कि आखिर में इसकी जरूरत क्यों पड़ी सीट बेल्ट को लगवाने के लिए। और ये ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो मुहिम शुरू की गई है उसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये देखिए, ये एक गाड़ी है और इसको रोका गया है, ट्रैफिक पुलिस ने इसको रोका है। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने दोनों तरफ से ही सीट बेल्ट का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं, पिछली सीट पर बैठे हैं। भाई साहब ये बताइए कि जैसे पिछली सीट पर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको इस बात की जानकारी थी पहले से? जानकारी थी, अच्छा, किंतु इसमें अभी हुक ही नहीं है, अच्छा, दबा हुआ है ना सीट के नीचे, हाँ। तो इस वजह से मुश्किल है अभी उसको फिट करना। अच्छा, थोड़ा मेरे हिसाब से एकदम चालान ना करके, हाँ, आपको थोड़ा सा जानकारी को फैलाव ज्यादा जरूरी है, अच्छा, है ना। और यहाँ पे जिससे कहते हैं कि स्पीड ऑफ कार भी यहाँ पे बहुत लिमिटेड ही है, हाँ, क्योंकि ये बहुत ही रश सेंट्रल एरिया है, तो इसलिए, और वो आराम से ही भी चला रहा था ड्राइवर, और अभी उसने एडजस्टमेंट भी नहीं अभी पूरी हो पाई है क्योंकि ऊपर से कवर लगा है, तो कैसे करेंगे, अच्छा, तो इसलिए थोड़ा सा समय देना चाहिए कि एकदम चालान ना करके, है ना, फाइनेंशियल बर्डन ना डाल के पहले थोड़ा और जानकारी को। अभी आप लोगों को रोका है तो क्या चालान भी किया जा रहा है? यस सर, चालान किया जा रहा है। चालान किया जा रहा है, कर दिया चालान ड्राइवर को। अच्छा, मतलब पहले एक तरह से अवेयरनेस, मिशन डिसमिनेशन और हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन और हो सकता है, थोड़ा और जागरूक बनाया जा सकता है, उसके बाद फिर चालान करिए, ठीक है। तो इनका कहना है ये तो बैठे हैं पिछली सीट पर लेकिन ये टैक्सी है, जो टैक्सी ड्राइवर इसको चला रहे थे जैसे ही इस रास्ते से गुजरे, पीछे की सीट पर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया था और ट्रैफिक पुलिस ने यहां पर इनको रोका। दूसरी तरफ दिखाएं तस्वीरें, एक दूसरी गाड़ी भी इन्होंने रोक रखा है ट्रैफिक पुलिस ने। और इस तरीके की ये जागरूकता अभियान तो है ही, और लेकिन इसके साथ में जब तक कि चालान नहीं होगा लोगों तक ये बात सही तरीके से नहीं पहुँच पाएगी। ये देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनका भी चालान किया जा रहा है। इस गाड़ी को आप चला रहे थे? जी सर। तो अभी चालान हो चुका है? जी हो गया। क्या कहा गया है? सीट बेल्ट के लिए हुआ सर। सीट बेल्ट मतलब अगली सीट या पिछली सीट? पिछली सीट के लिए। आपको पता था कि पिछली सीट पे भी बेल्ट? पता था सर, आइडिया नहीं था। नहीं जी। तो कितना चालान किया जा रहा है सर? अब तो सर के हाथ में जो होगा सर के हाथ में जो होगा सर। अच्छा अच्छा जी, ठीक है। तो देखिये दो गाड़ियां वहां पर भी रोकी गई है, तो ऐसे ही ट्रैफिक पुलिस की मुहिम चल रही है और इस मुहिम के पीछे देखिए यहाँ पर चालान भी किया जा रहा है, ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं। सर कितने का चालान हो सकता है इस पर? सर सीट बेल्ट का 1000 रुपये तक काटता है। अच्छा, पिछली सीट पर अगर नहीं इस्तेमाल किया कोई सीट बेल्ट तो 1000 रुपया? जी ठीक है। तो देखिए कि 1000 रुपया का चालान होता है पिछली सीट पर अगर सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया। ये बाराखंबा रोड की तस्वीरें और तख्तियों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ट्रैफिक पुलिस के जरिए। और जैसे ही लोग आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो कम से कम ट्रैफिक पुलिस उनको ये बताने की भी कोशिश कर रही है कि सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, ये पहले से ही नियम है, लेकिन लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं, उसका नियम का पालन नहीं करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे अब चालान भी लोगों का किया जा रहा है, जो लोग भी पिछली सीट पर बैठे हैं लेकिन सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये देखिए चालान की पर्ची और रसीद भी निकाली जा रही है। और पिछली सीट पर अगर आप बैठे हैं तो ये ज़रूर इंश्योर कीजिए कि पिछली सीट पर बैठते ही सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें,
क्योंकि अगर आप पिछली सीट पर बैठे रहेंगे और सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो 1000 रुपये का चालान आपको थमा दिया जाएगा। ये नियम पहले से ही है लेकिन लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ट्रैफिक पुलिस इसको जागरूकता अभियान के तौर पर भी चला रही है दिल्ली की सड़कों पर, लेकिन उसके साथ साथ में कार्रवाई भी की जा रही है। तो कार्रवाई करने के पीछे एक मकसद ये भी था कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी हाल में ही एक बयान आया था जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये कहा था कि पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा, मैंडेटरी तो है लेकिन अब इसको इम्प्लीमेंट भी करना जरूरी होगा। उनके बयान के पीछे की वजह, जो सबसे बड़ी वजह ये थी, उन्होंने बयान इसलिए दिया था क्योंकि उद्योगपति साइरस मिस्त्री के जब गुजरात से मुंबई आ रहे थे उस दौरान एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। पिछली सीट पर वो लोग बैठे थे और तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाते चले कि गाड़ियों को रोका गया है और जैसे ही कोई ऐसा शख्स जो पिछली सीट पर बैठा हो और उसने सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया हो उसका चालान किया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। और जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था कि साइरस मिस्त्री की जैसे ही मौत हुई उसके पीछे जब ये जांच पड़ताल की गई तो ये पाया गया कि जो साइरस मिस्त्री और उनके साथ में जो को पैसेंजर थे 2 लोग पीछे की सीट पर बैठे थे लेकिन उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी और उसके जब सड़क हादसा हुआ तो उसमें उनकी जान चली गई, 2 लोगों की जान गई थी। और ये भी अमूमन माना जाता है कि अगर आप पिछली सीट पर सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और नहीं लगाया है आपने तो जो एयर बैग्स है, कोई हादसा होता है एयर बैग्स नहीं खुलता है, तो एयर बैग्स के लिए भी सरकार ने तमाम कंपनियों को भी कहा है कि तमाम जो गाड़ियां नई भी आती हो तो उसमें एयर बैग्स होना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए ये ट्रैफिक पुलिस किस तरीके से गाड़ियों को रोक रही है और जैसे ही गाड़ियां यहां पर एंट्री कर रही हैं 12 खंबा रोड पर तो उनको रोका जा रहा है क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी गाड़ियां हैं उन्होंने सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया। ट्रैफिक पुलिस इस समय मुस्तैद है और लगातार चालान किया जा रहा है। तो इस तरीके की जो मुहिम की ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि केंद्र सरकार भी इस पूरे मामले में गंभीर है। गंभीरता केंद्र सरकार ने यह दिखाया कि बहुत सारे ऐसे हादसे होते हैं जिसमें लोगों को जानकारी नहीं होती है सही तरीके से या फिर उसका पालन नहीं करते हैं और पालन ना करने के पीछे ये होता है कि उसको इम्प्लीमेंट नहीं कराया जाता। इम्प्लीमेंट ना करवाने के पीछे का ये मतलब ये हुआ कि चालान नहीं होता, कार्रवाई नहीं होती और जब कार्रवाई नहीं होती और चालान नहीं होता तो लोग हल्के में लेते हैं। तो हल्के में ना लें, जैसे ही आप सड़कों पर उतरे और गाड़ी में आप सफ़र कर रहे हैं, लगातार तस्वीरें भी आपको मैं न्यूज़ 18 इंडिया पर यह दिखा रहा हूँ आपकी ज़िंदगी से जुड़ी, आपकी सुरक्षा से जुड़ी, कि जैसे ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनका सीट बेल्ट चेक किया जा रहा है कि वो पिछली सीट पर बैठे हैं कि अगर बैठे हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल उन्होंने किया है कि नहीं किया है, ये तमाम चीज़ें देखी जा रही है। तो केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर गंभीरता केंद्र सरकार ने दिखाया है और ये कहा है कि लोगों की सुरक्षा वो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आगे की सीट पर जो लोग बैठते हैं तो सीट बेल्ट तो लगाते हैं क्योंकि तमाम ऐसी गाड़ियों में भी अगर आपने आगे की सीट पर बैठे हैं और सफ़र कर रहे हैं तो उस दौरान टू टू की आवाज़ आती है, यानी बजर बजता है और जब तक कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया आगे की सीट पर तब तक वो आवाज़ आती रहेगी। लेकिन पीछे की सीट पर अभी इस तरीके का सिस्टम नहीं है तो लोग समझते हैं कि पीछे की सीट पर बैठे तो हैं लेकिन वो लगाना ज़रूरी नहीं है इसलिए लगाते नहीं हैं। ये देखिए चालान किया जा रहा है, अलग सीट बेल्ट का ही आप कभी सीट बेल्ट का है कुछ और है सर ये बताइए सीट बेल्ट का सीट बेल्ट बैक साइड का बैक साइड आपको पता था नहीं पता नहीं था अच्छा तो जब अब तो पता हो गया ना अब तो ध्यान रखेंगे अब ध्यान रखेंगे जी जी अब तो बगैर सीट बेल्ट के चलेंगे नहीं हम। ये देखिए आगे की सीट पर तो लोगों ने जो को पैसेंजर है ड्राइवर के उन्होंने सीट बेल्ट लगाया, पीछे की सीट पर भी अभी उन्होंने लगा लिया है क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने इनको यहाँ पर रोका है। तो अवेयरनेस के साथ में, जागरूकता अभियान के साथ साथ में कार्रवाई भी हो रही है और न्यूज 18 इंडिया पर आप इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें 12 खंबा रोड दिल्ली से देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की जिंदगी के साथ में, लोगों की सुरक्षा से जुड़ी हुई ये खबर है और
ये खबर इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लोग जब सड़कों पर उतरे, गाड़ियों में चले और पिछली सीट पर बैठे तो सीट बेल्ट लगाना ना भूलें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई खबर है, आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है, आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ सीधा ये इसका कनेक्शन है। और इसके साथ साथ में आपकी जेब भी ढीली हो सकती है अगर आपने सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये देखिए कि यहाँ पर लोगों को रोका जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सीट बेल्ट का वो इस्तेमाल करें, बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एयर बैग्स नहीं खुलता है अगर आपने सीट बेल्ट का इस्तेमाल सीट बेल्ट नहीं लगाया है, और ये आपके जान के लिए जोखिम हो सकता है अगर आपने नहीं लगाया है। तो